हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को पंचकुला के सेक्टर 1 में स्थित मनसा कॉम्प्लेक्स में उद्योग भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्योग भवन को हरियाणा के उद्योगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि जिस प्रकार से दुनिया भर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाती है, उसी तरह से पंचकुला के अंदर हरियाणा के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाया जाएगा। इस वन स्टॉप सेंटर में प्रदेश के सभी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां तैयार की जाएंगी। उन्होंने बताया कि उद्योग भवन में एक छत के नीचे तमाम अधिकारी होंगे और यहीं पर प्रदेश के उद्योगपति अपनी समस्याओं और सुझाव भी दे सकेंगे, जिससे उद्योगों को नई दिशा मिल सके और बढ़ावा मिल सके। आप भी सुनिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा। अपने प्रदेश में शरण देकर बैठा है, हम 400-500 कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, या दिल्ली का वर्कलोड भी बेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर इस प्रदेश ने पिछले 2 दशक में द्वारा, मैं तो उम्मीद रखता हूं कि इस कार्य को जो आज शुरू किया है एक टारगेट के साथ कि 1 साल के अंदर अंदर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी करें और डेवलप कर इस इंफ्रास्ट्रक्चर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमारी इंडस्ट्री को फायदा भी पहुंचाने का काम करेंगे। दोबारा तमाम अधिकारी कुंडली मानेसर पलवल, जो हमारा पेरिफेरल हाईवे है जिसको अब केजीपी के साथ भी जोड़ा गया है, उसको डेवलप किया गया। आप ये मानकर चलिएगा कि आने वाले भविष्य के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक बैकबोन हमारा वो इंडस्ट्रियल हब बनने का काम करेगा। और ये हमारे लोकल विधायक भी हैं स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता जी का, कि ये शुरुआत उनके विधानसभा से हो रही है और ज्योग्राफिकल एडवांटेज ऐसी है इस इलाके की कि यहाँ से चंडीगढ़ के अंदर जाने का भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दोनों का एक हब हमारे एक्सप्रेसवे को हम डेवलप कर बनाने का काम करेंगे। वर्कलोड को भी डिवाइड कर केएमपी के माध्यम से दिल्ली का एक बाईपास रेल कॉरिडोर का भी हम बनाने का काम करेंगे। 4 अलग अलग फ्लोर के अंदर अलग अलग अधिकारी जहां बैठेंगे वहीं लगभग 67। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आगे बताया कि यहां वन स्टॉप सेंटर उद्योग भवन में विभाग के आला अधिकारी बैठकर न केवल समस्याओं को निपटाने का काम करेंगे बल्कि इंडस्ट्री को मोटिवेट भी करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि उद्योग भवन अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, इसके साथ साथ जो नए उद्योग शुरू करना चाहते हैं उनको मदद करने का काम भी किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा भी लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 4 अलग अलग पॉलिसी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर एग्री फार्मिंग के लिए उद्योगों की बहुत जरूरी है। सब्जियों व फलों की पैकेजिंग के लिए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, यह उद्योग में एक नया कदम होगा कि अब किसान भी उद्योग के साथ जुड़ेगा। उन्होंने प्रदेश की उद्योगों के बारे में कहा कि हरियाणा प्रदेश इकलौता प्रदेश है जहां आज भी 30% ग्रोथ के साथ उद्योग चल रहे हैं। देश के कई बड़े बड़े उद्योगपति हरियाणा में अपना उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं और जल्दी एक बड़ी कंपनी हरियाणा में उद्योग लाकर रोजगार देने का काम करेगी। इस मौके पर उद्योग जगत से जुड़े प्रतिष्ठित उद्योगपति व पंचकुला का जिला प्रशासन भी उपस्थित रहा। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। दुनिया भर के अंदर इंडस्ट्री को मोटिवेट करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा करी जाती है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा वन स्टॉप सेंटर पंचकुला के अंदर बनाया जाएगा जहाँ तमाम आला अधिकारी विभाग के बैठ कर इंडस्ट्री को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, उसकी समस्याओं को निपटाया जाए, उनको वन स्टॉप सेंटर के अंदर निपटाने का काम करेंगे। 66,000 स्क्वायर फुट का उद्योग भवन अपने आप में एक हिस्टोरिकल कदम है जो बड़ी इंडस्ट्री को, नई इंडस्ट्री को, या हम जो कहते हैं फ्रेश ऑफ द बोट, नए आइडिया के साथ कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे उसको मदद करने का भी काम करेगा और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के समस्याओं को निपटाने के लिए
वन स्टॉप सेंटर बनाने का काम कर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।